कल रात के 2:45 के करीब 10 बटालियन की पोस्ट है नांगली घाट, वहाँ के सेंट्री ने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखा था रावी नदी में, तो उसने इमीडिएटली अपने साथियों को अलर्ट किया और अपने मोर्चों को अलर्ट किया और अधिकारियों को भी सूचित किया, और बाद में बोट से जाकर वो जो सस्पिशियस मूवमेंट जहाँ हो रहा था उसको चेक किया, तो वहाँ पे एक कपड़े के एक पाइप सा बनाकर कुछ चीज़ें सस्पिशियस चीज़ें थी जो इंडिया की तरफ आ रही थी पाकिस्तान साइड से, तो उसको रिकवर किया गया और बाद में ला के जब उसको खोला गया तो उसमें 60 पैकेट हीरोइन के निकले। देखिए अंतर्राष्ट्रीय इसकी कीमत 300 करोड़ के करीब है। देखिए ब्लैडर में पैक करने के दो हो सकते हैं, एक तो ये कि ब्लैडर में पैक करने से अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, पानी नहीं घुसेगा, दूसरा उससे एक बॉयंसी मिल जाती है कि पानी में डूबेगा नहीं, तो ये दोनों चीज़ें के कारण ब्लैडर यूज़ किया गया होगा। और उसको फिर उन्होंने एक कपड़े का पाइप बना के एक दूसरे से पाइपों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ था, पीछे से वो रस्सी बांधी हुई थी जो पाकिस्तानी साइड से कंट्रोल हो रही थी।